हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम भाषा माधुरी इस पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 28 व्याकरण तथा रचना का अभ्यास। व्याकरण जो हमने सहज हिंदी रचना में पढ़ाई की है उसका ही रिवीजन याद दिया है। व्याकरण तथा रचना का अभ्यास। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों देखो, व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप से लिखने या बोलने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। तो पहला दिया है वर्ण यानी लेटर। भाषा में छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। तो जैसे अ, ई, क, ख आदि, इनको वर्ण कहा जाता है। वर्ण के बाद है शब्द। वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। जैसे गाय, गाय एक पशु है। आम, आम एक फल है और खाना, हम खाना खाते हैं आदि। शब्द के बाद वाक्य। वाक्य शब्दों का वह समूह है जो पूरा भाव प्रकट करता है। जैसे हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये हो गया वाक्य। वाक्य के बाद है नाउन यानी संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, पुस्तक, दिल्ली, वीरता, बचपन आदि। ये हो गया संज्ञा। संज्ञा के बाद है वचन। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्दों को कहने से किसी एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन तथा जिससे एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। है जैसे पुस्तक, पुस्तके, चिड़िया, चिड़ियों। ये हो गया वचन। वचन के बाद है लिंग। लिंग भी दो प्रकार के होते हैं, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध होने होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग तथा जिस शब्द से किसी स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग होता है। राजा, रानी, छात्र, छात्रा, शेर, शेरनी। ये हो गए लिंग। लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। नेक्स्ट पेज निकालो। आगे का है क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना आदि। इन क्रियाओं की सहायता करने वाले शब्दों को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे है, हूँ, था, थे, थी आदि। ये हो गए क्रिया। नेक्स्ट है सर्वनाम। किसी नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, आप, कौन आदि। आगे का है विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे काली गाय, ऊंचा पेड़। यहाँ पे काली क्या है? विशेषण, और ऊंचा विशेषण है। नेक्स्ट है पर्यायवाची।
एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य के समानार्थी शब्द है सूरज और रवि, और धरती का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है धरा या पृथ्वी। आगे का है विलोम यानी ऑपोजिट शब्द। जिन दो शब्दों का अर्थ एक दूसरे से उल्टा यानी विपरीत हो उन्हें विलोम शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे रात, रात का विरुद्धार्थी शब्द दिन, अच्छा बुरा, उजाला अंधेरा। आगे का दिया है पूर्ण विराम। जब एक वाक्य पूरा हो जाए तो पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे हम अपने देश से प्रेम करते हैं, पूर्ण विराम दिया है। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो ये हो गया पूर्ण विराम। नेक्स्ट है अल्प विराम। वाक्य में थोड़े समय रुकने के संकेत को अल्प विराम कहते हैं। जैसे ठहरो, मैं आ रहा हूं, रोको, मत जाने दो। तो इसी तरह यह अल्प विराम हो गया है। नेक्स्ट पेज निकालो। आगे का है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे भैया आप गांव से कब आए? सेकंड दिया है आप कहाँ काम करते हैं? प्रश्न चिन्ह दिया है। आगे का है निषेधवाचक वाक्य। किसी भी वाक्य में न, नहीं, मत का प्रयोग होने पर वह वाक्य निषेधवाचक वाक्य बन जाता है। जैसे बच्चों वहां न जाओ, मेरे पास गेंद नहीं है, झूठ मत बोलो। तो इसी तरह ये हो गए निषेधवाचक वाक्य। आगे का है मुहावरा। भाषा के शब्दों का अर्थ कभी कभी असली अर्थ से अलग होता है। ऐसे वाक्यांश को मुहावरा कहा जाता है। जैसे आंखें खुलना यानी समझ में आना, ऐसा है यह मुहावरा है। आगे का है पत्र। पत्र उस संदेश को कहते हैं जो एक व्यक्ति लिखकर दूसरे तक भेजता है। पत्र मुख्य तीन प्रकार के होते हैं, प्रार्थना पत्र, व्यक्तिगत पत्र एंड व्यापारिक पत्र। आगे का है निबंध। जब हम अपने विचारों को क्रमबद्ध करके लिखते हैं तब उसे निबंध कहा जाता है। निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, जैसे गाय, कलम, महात्मा गांधी आदि। आगे का है कहानी। किसी भी सत्य या काल्पनिक घटना को क्रम से लिखना वह सुनाना कहानी कहलाता है। तो बच्चों देखो कहानी किसे कहते हैं? किसी भी सत्य या काल्पनिक घटना को क्रम से लिखना या वह सुनाना कहानी कहलाता है। आगे का है अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज। अपठित का मतलब है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। ऐसे गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। और सारांश में गद्यांश के लिए एक तिहाई शब्द लिखने होते हैं। तो ये हो गया अपठित गद्यांश। तो बच्चों इसी तरह व्याकरण तथा रचना का अभ्यास यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।